सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। सो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली हमारी जो ये फ्यूल स्टोरेज है, फ्यूल पंप का, फ्यूल स्टोरेज का इंपॉर्टेंस क्या है फ्यूल पंप में ना। सो गाइज बेसिकली आप सबको पता है पल्सर RS 100 BS4 का फ्यूल पंप है। इसकी एक बार बिल्ड दिखाया था आपको ना, कुछ तरीके से बिल्ड होती है BS4 की। अगर आप कंपेयर करेंगे BS3 से काफ़ी डिफरेंट है ना। और यहाँ पर इसका रियोस्टेट होता है पोटेंशियोमीटर, जो इसकी प्रॉपर एक तरीके से जो फ्यूल गेज होता है उसकी प्रॉपर रीडिंग देता है मीटर को, कितना फ्यूल है बाइक में ना, ठीक है। और गाइस बात करें फ्यूल स्टैंडर की, ये तो खैर फिर भी ठीक है फ्यूल स्टैंडर, बाकी ओल्ड फ्यूल स्टैंडर दिखाता हूँ एक बार मैं आपको ना। सो गाइस ये ओल्ड फ्यूल स्टैंडर है, तो होता क्या जैसे ये कुछ टाइम किलोमीटर चलती है बाइक, तो आफ्टर सम ईयर्स जो टैंक का होता है, फ्यूल टैंक उसका इंटीरियर होता है, वहाँ से थोड़ा बहुत स्ट्रेट पार्टिकल्स वगैरह जितने होते हैं इस पर आकर के सेटल हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो आर्मेचर पे जितनी भी रस्टेड पार्टिकल्स हैं उन्हें जान से रेजिस्ट करता है, सो डैट जो फ्यूल पंप की लाइफ है मेंटेन रहा है ना, रिलायबिलिटी वगैरह। तो कुछ टाइम बाद इसकी भी एक लाइफ होती है, बिकॉज ये हर टाइम फ्यूल में डिप रहता है, तो जिस वजह से इसके जो यहाँ पे छोटे छोटे से यार्न्स होते हैं है ना, जो उसके पोर्स क्लोड हो जाते हैं, तो बस यही है। तो होता क्या दिक्कत क्या आती है कुछ टाइम बाद, जो इसका सक्शन है गाइस, जो फ्यूल का सक्शन है फ्यूल पंप प्रॉपर नहीं कर पाता, जिस वजह से थोड़ा बहुत मिसिंग इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो फ्यूल पंप पूरा ख़राब होने से पहले आपको ये जो फ्यूल स्ट्रेनर है ये देगा, इस तरीके से बिल्ट होती है न्यू फ्यूल स्ट्रेनर की। यहाँ पे ये न्यू फ्यूल स्ट्रेनर है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये आफ्टर मार्केट फ्यूल स्ट्रेनर है। तो आपको ये चेंज करना है टाइम टू टाइम है ना, ये गाइड आपको कोई नहीं करेगा, बहुत कम लोग हैं सर्विस सेंटर वगैरह में नहीं मिलता है तो चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज इतनी अवेयरनेस है नहीं। पर आपको करना है क्योंकि ज़्यादातर कहा सर्विस सेंटर में सिर्फ जो ये वाला फ्यूल फिल्टर है, आउटलेट फ्यूल फिल्टर है ना, इसके एक बार बिल्ट देख लो, ये तो इजीली 100 रुपीज़ का मिल जाता है, चलो कोई बात नहीं आउटलेट वाला। बट जो ये जहाँ है सक्शन है फ्यूल पंप की, तो वहाँ दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, कुछ किलोमीटर बाद यहाँ पे क्लोमिंग आती है, तो फ्यूल पंप फेलियर होने का पूरे चांस बढ़ाते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है जो फ्यूल स्ट्रेनर है, मतलब ये मानो टेंटेटिव 10,000 या 12,000 किलोमीटर्स के बीच में कर लोगे तो FI सिस्टम अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहेगी, जो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट बनते हैं तो उनके लिए ठीक रहता है राइडर्स के लिए, ठीक है। तो गाइस बस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।